आज बड़ी कमाल की चीज आपको दिखाता हूँ। ये 2021 की मुख्य परीक्षा का पेपर है, पेपर टू को मैंने लिया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही यह समाप्त हुआ। तो जो मैं लोक प्रशासन की क्लासेस ले रहा हूँ पिछले कुछ एक डेढ़ महीने से, देखते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं फंसे, है ना। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं तीन शाखाओं का नाम, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन के दो लाभ। अभी नियंत्रण का क्षेत्र मैंने इस बार तो नहीं बताया, प्रत्यायोजन बता दिया, उसके लाभ भी बता दिए। अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखा। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर नव लोक प्रशासन नवीन लोक प्रबंधन से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। और फुल क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 नंबर का, लोक प्रशासन का महत्व बताइए, ये कला है अथवा विज्ञान, और उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, उसके बाद विकास प्रशासन को लेकर पूछ रहे हैं। तो मैं अब ले चलता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो लाइव क्लासेस ली हैं वो सब यहाँ पर सामने आ जाती हैं। अब मैं आपको ये प्रत्यायोजन, ये अभी रिसेंटली पेपर के बाद पढ़ाया था, लेकिन पेपर होने के पहले मैंने क्या पढ़ाया है उसमें से कुछ आया कि नहीं आया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये आप देखोगे नवीन लोक प्रशासन, और इसके पहले मैंने बताया था विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है, यहाँ आप देखते हो कि ये ऊपर आपको हेडिंग दिखाई दे रही है लोक प्रशासन का महत्व, ठीक है ना, विकसित और विकासशील समाजों में भूमिका। ये 4 सप्ताह पहले था, उस समय ये पेपर हुआ नहीं था, उस समय ये बताया गया था 4 वीक पहले, है ना, ये पेपर ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से मिला। ठीक, इसके बाद जो इसकी प्रकृति की बात की गई है ना, तो ये प्रकृति लोक प्रशासन की प्रकृति 200 शब्दों में, ये मैंने 1 महीने पहले ये क्लास ली हुई थी, और 1 महीने की जो क्लास थी 1 महीने पहले उसमें ये पूरा का पूरा आपको बताया था कि उसकी प्रकृति जिसमें विज्ञान भी माना है, कला माना है, तो कला के आधार पर माना है, विज्ञान के आधार पर माना है, ये पूरा का पूरा लिख लिख करके दिखाया था। और यही पूरा हम अपने नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो लोक प्रशासन यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं वो ऑलमोस्ट 90% तक पूरा का पूरा आपको मिलता है। इवन तर्क भी दिए थे कि आखिर ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हो और MPPSC के एस्पिरेंट्स हो, अगर इन वीडियो को भी आप देख लोगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कहीं आपको लाखों हजारों रुपए फीस भरने की जरूरत नहीं है। ओके, आप खुद जाके देख सकते हो, आप यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट है पेपर 2A पर, जब आप जाओगे तो आपको इसमें ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं जो लोक प्रशासन से संबंधित पूछे गए थे, है ना। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक, इसका महत्व क्या है विकसित समाजों में, विकासशील समाजों में, और क्या चाहिए